देखिए भैया, वेगेटुल्ला क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर गैस तीन चार पांच, हम क्या कर लें, गैस के सैंपल ले लेंगे, इस रूम में, उस रूम में, उस रूम में, अगर इन के सिस्टम के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम रख दें तो तीनों कमरों के अंदर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। वे समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम आइडल कंडीशन यूज करते हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ला लिखिए एवोगैड्रो ला 0.5, लिखो इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर सेम। कितनी भी गैस ले लीजिए आप लोग, कितने तरह की गैस ले लीजिए, अगर उनका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम रख रखा आप लोगों ने, तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये है आपका एवोगैड्रोला। तो हमको प्रूव करना है N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N3 एंड सो ऑन, जितनी भी गैस आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग भी। N क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, पहली गैस के, सेकेंड गैस के, थर्ड गैस के, इस तरीके से कर लोगे भाई। तो आपके पास गैसेस हैं तो मैं लिख लेता हूं, लेट M1 M2 आर द, दो ही ले लेते हैं गैस, तीन लो चार लो, बराबर करने हैं, सभी बराबर होने चाहिए, दो को बराबर कर लेते हैं तो बराबर हो जाएंगी। M1 M2 क्या है, टोटल मास ऑफ द गैस, गैस ए एंड बी, दो गैस ले रहा हूँ, गैस ए और गैस बी, उनका टोटल मास कितना है, M1 M2, कर लोगे। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, N1 A के हैं, N2 किसके हैं, बी के, सही है। M1 M2 क्या है, स्मॉल M1 M2, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, यस और नो? देखो ए गैस के सारे मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, सेम होगा, बी के सारे का क्या होगा, सेम होगा। M1 M2 कर लोगे। C1 C2 क्या है, ये क्या होता है, RMS स्पीड, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, सही लिखा है, ए और बी की क्या है, ये RMS स्पीड। दो गैस यूज कर रहा हूं, गैस ए गैस बी, चैम्बर मान लेते हैं, चैम्बर कंडीशन क्या है, तीनों के कहाँ रखा गया, दो कंटेनर के अंदर, सॉरी ए और बी को, जिनका प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, सही है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, एनी प्रॉब्लम? तो हमें यूज करनी है इक्वेशन प्रेशर वाले भी, no. प्रेशर भी फर्स्ट की क्या होगी, P1, या उनको प्रेशर मान लूँ PVT, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर कितना है T, तो P कितना होगा फर्स्ट का भी, 1/3 M1, वॉल्यूम सेम है, V C1 स्क्वेयर, क्या मैंने सही लिखा है, दोनों गैस का प्रेशर कितना है, P है, वॉल्यूम कितना है, वी है, टेम्परेचर कितना है, टी है, तो उसको आप P1 V1 लिखने की जरूरत नहीं, आपको सेम ले लेते हैं दोनों के लिए, कर लोगे। ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड का कितना होगा भाई, प्रेशर ऑफ सेकंड गैस 1/3, ये M2 हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रख रखा है, C2 स्क्वेयर, कर लोगे। दोनों प्रेशर सेम है, दोनों का लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो लिख सकते हैं इसको 1/3
एम वन वी सी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम टू सी टू स्क्वेयर बाई वी, सही है। वी से वी कटा, वन बाई थ्री से वन बाई थ्री कट दिया, तो कितना आंसर हुआ, एम वन सी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एम टू सी टू स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम भाई, कर पाओगे? यहां तक कोई डाउट है किसी को? इट इज द फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आ रहा है? अब देखिए एक चीज और कांस्टेंट रखी हम लोगों ने, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट मतलब सेम है भाई, यस आर नो? कांस्टेंट मतलब लिखिए सेम लिखिए, टेम्परेचर क्या है, सेम। अगर टेम्परेचर सेम है क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? हमने एक रिलेशन किया था याद होगा आपको कि हाफ एम वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, भी कल किया था हम लोगों ने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर्स में, यस और नो? हाफ एम सी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू टी, अगर टी सेम रखा है पक्की बात ये भी सेम होगा अभी, यस और नो? तो लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पर क्या लिखवाया था हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इंडिविजुअल का निकाल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के साथ कितना आता था याद है? अगर टी कांस्टेंट है तो लिख सकता हूँ हाफ एम वन स्मॉल सी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एम टू सी टू स्क्वेयर, यस और नो? दोनों के टी सेम हैं तो पक्की बात है पर हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, सही है कि नहीं है? दोनों गैसेस की वन बाई टू से वन बाई टू कर दो तो कितना बचा, एम वन सी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एम टू सी टू स्क्वेयर, इक्वेशन सेकंड। एनी प्रॉब्लम भाई? जो हमने बोला था ना कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम रखा, मैंने सारी चीज़ वहीं लिखी यहाँ पे भी, कर लोगे? डिवाइडिंग वन बाई टू, डिवाइडिंग वन बाई टू, वन को टू से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, एम वन सी वन स्क्वेयर डिवाइड बाई एम वन सी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एम टू सी टू स्क्वेयर डिवाइड बाई एम टू सी टू स्क्वेयर। डिफरेंस समझ में आ रहा दोनों में भी? ये कैपिटल एम है टोटल मास और ये स्मॉल एम है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? टोटल मास को कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको रब कर दूं? हो गया ये? टोटल मास को कैसे लिखते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, एक गैस में एन है, एन वन मान लेते हैं, एन वन ले रखा है और उसका हर एक का मास कितना है, एम वन है, टोटल मास कितना हो गया, एम इन टू एन, यस आर नो? तो कैपिटल एम को क्या ले सकता हूँ, टोटल मास को, इसको एन वन एम वन ले सकता हूँ इन टू सी वन स्क्वेयर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज द मास ऑफ गैस भी, यस आर नो? डिवाइड बाई एम वन सी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एम टू, क्या लिखें, एन टू एम टू सी टू स्क्वेयर डिवाइड बाई एम वन सॉरी एम टू एम टू सी टू स्क्वेयर, कैंसिल हो गए, एन वन इज इक्वल टू क्या बचा, एन टू, यही प्रूव करना था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या करेंगे, एक ही रूम के अंदर दो तीन चार तरह की गैसें भर लेंगे और चेक करेंगे कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कि कितना डिफ्यूज हो रही है कितने टाइम में, वो किस पे डिपेंड करेगा, ओके? वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ गैस के ऊपर भी, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ गैस के ऊपर। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस।
तो आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी को क्या लिखते हैं, रो से। तो ये हमको प्रूव करना है भाई, ये है ग्रेम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भाई, कि जहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन है मेरा वो डिपेंड किस पे करता है, डेंसिटी के ऊपर भी, स्क्वायर रूट के उल्टे के भी। कर लोगे? प्रूव करने का तरीके वही हैं भाई, हम प्रेशर यूज करना है सारी गैसेस का। अब हमने एक याद हो ना, प्रेशर की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ली थी हम लोगों ने, लिख लीजिए प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज कितना था भाई, पी वन। दो गैस ले लेते हैं, वी हैव टू गैस, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, मास वॉल्यूम, ठीक है। पी वन कैसे लिखोगे, वन बाई थ्री डेंसिटी, यस और नो, डेंसिटी टर्म याद है, इनटू सी वन स्क्वायर। ये फर्स्ट गैस के लिए है सारा, याद है मास बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी बना दिया मैंने, कर लोगे क्योंकि उसमें डेंसिटी आ रहा है। सेकेंड कौन सा होगा, पी टू, वन बाई थ्री रो टू सी टू स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम भाई, ठीक है। अब क्या हो गया, इस गैस दोनों गैस को एक चैम्बर में डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है, और वो डिफ्यूज भी हो गई। तो डिफ्यूज होने के बाद क्या इन दोनों का प्रेशर सेम होगा, इस रूम के अंदर सेम होगा भी प्रेशर, कर लोगे, लिख लीजिए आफ्टर डिफ्यूजन, आफ्टर डिफ्यूजन क्या होगा प्रेशर, P1 इज इक्वल टू P2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक गुब्बारे में हवा भरनी है, दो तरह की हवा भरनी है, हवा भरने के बाद क्या उन दोनों हवा का प्रेशर सेम होगा गुब्बारे के लिए, सेम होगा भाई, और डिफ्यूज हो चुकी है अभी, कर लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनिशियली नहीं है, भरने के बाद, आपको समझ में नहीं आ रहा लग रहा है मेरे को, पॉइंट्स आ रहा है, दो और अलग प्रेशर की हवा भरेगी एक गुब्बारे के अंदर भी, तो एक टाइम के बाद गुब्बारा फूल जाएगा ना, उतना ही इतना टोटल टोटल का प्रेशर है, पी बन जाएगा प्रेशर, हो ना कि पी वन पी टू, और पी दोनों के लिए सेम है भाई, दोनों गैसेज के लिए, समझ में आई बातें। तो आपका डिफ्यूजन क्या होगा, पी वन इक्वल टू पी टू, पुटिंग द वैल्यूज भी, कितना होगा, वन बाई थ्री रो वन सी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई थ्री रो टू सी टू स्क्वेयर, वन बाई थ्री से वन बाई थ्री काट देते हैं, तो सी वन बाई सी टू, सी वन स्क्वेयर बाई सी टू स्क्वेयर को कैसे ले सकता हूँ मैं बताओ, रो टू बाई रो वन, सही लिखा है, यहाँ पे ले आता हूँ सी टू, यहाँ पे रो वन हो जाएगा। यह प्रेस कैसे ले सकते हैं, सी वन, सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू अंडर रूट रो टू बाई अंडर रूट रो वन। हाँ जी, हाँ जी, होएगा सी टू का स्क्वेयर ही, ठीक है, कर लोगे, इतना हो गया। अब इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन अभी तक नहीं आया है, आर हम तो आर चाहिए हमको, तो डेंसिटी तो आ गया अंडर रूट की टर्म में, हमें आर लेके आना है अभी। गैस आपस में मिक्स होंगी और डिपेंड किस पे करेगा, उनका स्पीड कितना है, स्ट्राइक करने का स्पीड क्या है, समझ में आ रहा है। तो लिख लीजिए पॉइंट को, अभी तक आपका पॉइंट हुआ नहीं है किसी भी बुक में या किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, तो लिख लीजिए द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एम एस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आर एम एस स्पीड पे डिपेंड करता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू किसके भी, C होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू C, सही है, कर लोगे। ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि अब तक नहीं पढ़ा आप लोगों ने, किसी बुक में नहीं पढ़ा हुआ ये, तो याद रखिएगा
जब गैस डिफ्यूज होती है ना, वो टोटली डिपेंड किस पे करती हैं, उनका स्पीड कितना है, उसके प्रोपोर्शनल भी कर लोगे। अब इसी क्वेश्चन से देखिएगा भाई, सी बाई सी टू ये है और यहाँ पे वे सी प्रोपोर्शनल किसके है, आर। तो मैं यहाँ पे आर लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, कॉन्स्टेंट डाल लो, आर इज इक्वल टू के सी, आर वन इज इक्वल टू के सी वन, आर टू इक्वल टू के सी टू, पुटिंग द वैल्यू सी वन सी टू, कट जाएंगे कॉन्स्टेंट सारे, तो क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा सिर्फ, कर लोगे। फिर क्या हो रहा है, सी वन की जगह पे सी टू जगह क्या रख दूँ, आर वन बाई आर टू, इट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वन बाई रो टू रो वन। अब यहां से देखिए, अभी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, आर वन ऊपर है रो वन नीचे है, यस और नो, आर टू नीचे है रो टू ऊपर है, तो उल्टी लग रहे आपको एक दूसरे के, और उल्टे क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं भाई, पॉइंट नंबर 7 लिखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इस चीज को। ये क्या बोलता ला कि एक रूम के अंदर मिक्सर डाल दी जाए गैसेस का, बहुत सी गैस डाल दी जाए यहाँ पे, कई तरह की नॉन रिएक्टिव गैस भी, आपस में इनका रिएक्शंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल प्रेशर ऑफ दिस रूम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस भी, हर एक गैस के प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा। पांच गैस डाल दी, पांचों गैस का प्रेशर होगा पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव जो भी है, नेट कितना होगा, पांचों को जोड़ दो भाई। ये आपका क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, कि किसी चैम्बर के अंदर किसी कंटेनर के अंदर अगर मोर देन टू गैसेस डाल दी जाएं जो कि नॉन रिएक्टिव हों, तो उनका नेट प्रेशर उनके इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा भाई। समझ में आया, ये हमको प्रूव भी करना है, बताना भी आपको, लिख लीजिए, लिखिए, इट स्टेट दैट टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर भी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस भी, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ओके। ये बोल रहा है कि नेट जो प्रेशर होगा, पी नेट मान लेते हैं, वो हर एक के प्रेशर के सम के बराबर होगा भी, एंड सो ऑन। ये हमको प्रूव करना भी हो जाएगा, इस रूम में कितनी गैस भर दीजिएगा, इस रूम का प्रेशर किसके बराबर होगा, इन सभी गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होगा, ये बोलता आपका डाल्टन लॉ भी। कंडीशन क्या है, रूम सेम है तो वॉल्यूम क्या होगा, सभी का सेम होगा। एक गैस यहाँ पर छोड़ दिए, यहाँ पर छोड़ दी, पूरे स्पेस क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी, तो पूरा रूम का क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा रूम का, सेम रहेगा, यस और नो। और कंडीशन क्या डाली हुई है कि गैस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्शन ही होना चाहिए उनके बीच में, कि कुछ दो गैस डाली बन के कुछ और बन गया, तैयार हो गया, तब प्रेशर बराबर नहीं हो सकता भाई। गैस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, कर लोगे तो उनके प्रेशर का जोड़ नेट के प्रेशर के बराबर होगा भाई। ये प्रूव भी करना है, बताना भी आपको, तो इसके लिए लिखिएगा भाई, लेट एम, तीन ले लेते हैं ठीक है, एम वन एम टू एम थ्री, ये क्या होता है, एंड सो ऑन, आगे भी हो सकता है। टोटल मास ऑफ द गैसेस,
गैस कौन सी हैं, ए बी सी डी कुछ भी बना लो। फर्स्ट गैस है, सेकंड गैस है, थर्ड गैस है। फर्स्ट गैस का मास m1 है टोटल, सेकंड का m2 है, थर्ड का m3 है। मिक्स डालना आपको, कई तरह की गैसेज होंगी। स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3, ये क्या होता है? मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस भी, ईच गैसेस, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैसेस। फर्स्ट गैस के मॉलिक्यूल का मास कितना है m1, सेकंड का कितना है m2, एक की बात करते हैं, कर लोगे? आगे लिखिए c1, c2, c3, ये क्या होता है? आरएमएस स्पीड ऑफ गैसेस, ईच गैसेस, ये रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है कि फर्स्ट का C1 है, सेकंड वाले का C2 है, थर्ड वाले का C3 एंड सो ऑन। सही है, राइट कर रहे हो? नेक्स्ट लिखिए, क्या बच गया उसमें? N बच गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N1, N2, N3 एंड सो ऑन। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस भी। फर्स्ट के मॉलिक्यूल कितने हैं? N1 है, सेकंड के कितने हैं? N2 है, N3 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमने मिक्सर हमारे पास गैसेस का, ओके? तो सभी के प्रेशर भी अलग हो सकते हैं, फर्स्ट का P1, सेकंड का P2, थर्ड का P3 एंड सो ऑन। इनको एक चैम्बर में डाला गया है तो इनका सभी का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। कर लोगे? तो P1 कितना होगा? ऐड कर लिया भी इतना। आगे लिखिए प्रेशर इज, प्रेशर क्या होगा? P1 कितना होगा भाई फर्स्ट के लिए? देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है? 1 बाई थ्री एम वन सी वन, एम वन वी था क्या? एम वन वी सी वन स्क्वेयर। वी वॉल्यूम सेम है भाई, देखिए मैंने वी लिखा है इसको। कर लोगे? क्या स्मॉल एम लिख सकता हूँ कैपिटल एम को? कैपिटल एम क्या था? टोटल मास। कैसे लिखोगे इसको? 1 बाई थ्री एम स्मॉल एन वन बाई वी सी वन स्क्वेयर। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिव नंबर ऑफ मास ऑफ गैस भी। सही लिखा मैंने ये बात? सेकंड भाई पी टू कितना होगा? वन बाई थ्री, इसी टर्म में लिखें तो स्मॉल एम टू एन टू बाई वी सी टू स्क्वेयर। सेम पी थ्री कितना होगा? वन बाई थ्री एम थ्री एन थ्री बाई वी सी थ्री स्क्वेयर। ओके, सभी को जोड़ें, और भी हैं फोर फाइव सिक्स एन तक जाएगा। पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ते हैं अभी, कितना बनेगा? वन बाई थ्री एम वन एन वन बाई वी सी वन स्क्वेयर प्लस वन बाई थ्री एम टू एन टू बाई वी सी टू स्क्वेयर प्लस वन बाई थ्री एम थ्री एन थ्री बाई वी सी थ्री स्क्वेयर एंड सो ऑन। आगे भी हो सकता है, लिखिए वन बाई थ्री वी कॉमन आ रहा है सभी में से, तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल टू वन बाई थ्री वी इंटू, क्या बचा भाई? एम वन एन वन सी वन स्क्वेयर प्लस एम टू एन टू सी टू स्क्वेयर प्लस एम थ्री एन थ्री सी थ्री स्क्वेयर एंड सो ऑन। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके? सही है। एक क्या है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या चीज सेम रहेगी उनकी? अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी में ऐसा लिखा था हाफ एम सी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू टी, यस और नो? तो उनकी ये क्या वैल्यू क्या रहेगी सभी की? सेम रहेगी।
अगर पूरे रूम का टेम्परेचर सेम है पूरे गैसेस के लिए और मिक्सर्स के लिए, तो इन सभी गैस मॉलिक्यूल की का एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। यस और नो? तो लिख लीजिए लाइन, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ऑल गैसेस आर सेम, फॉर ऑल गैसेस आर सेम। सही है। अगर एक चीज आपको याद हो, हमने ऐसे लिख दिया रिलेशन में, जब सभी की एनर्जी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, कुछ याद है? हाफ एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/2 kT, 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 kT इन टर्म ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्रूव किया था ये बात हम लोगों ने। यस और नो? यहाँ पे कैपिटल एम था, स्मॉल एल ने जाके गैस कांस्टेंट से गुणा करके डिवाइड करके के बना था। यस और नो? क्या इसको मैं पूरी इक्वेशन खाते लिख सकता हूँ? कैसे? फर्स्ट की कितनी होगी भाई? 1/2 m1 c1² इज इक्वल टू दूसरे की 1/2 m2 c2² तीसरे की 1/2 m3 c3² एंड सो ऑन। बराबर होंगी, बोल रहा है खुद, टेम्परेचर क्या है बराबर है, तो ये भी बराबर होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। यस और नो? बराबर है, कुछ तो वैल्यू रखेगा, वैल्यू ये मान लेते हैं। यस और नो? कितनी मान लें? 1/2 mc² इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 3/2 kT के। कोई तो वैल्यू रखेगा, वैल्यू के ने क्या मान लिया? 1/2 mc², मतलब सभी का आंसर क्या है? ये है। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर बोलते हैं ना, सभी का आंसर बराबर है, कुछ तो होगा, 5, 6, 10 कुछ तो होगा वैल्यू, तो ये वैल्यू है। कर लोगे? इज इक्वल टू क्या है? 3/2 kT। तो 2 से 2 काट सकता हूँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mc² हुई? या सभी के 2 कट सकते हैं क्या कॉमन निकाल के? 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बस लिखेंगे इसको? m1 c1² इज इक्वल टू m2 c2² इज इक्वल टू m3 c3² इज इक्वल टू mc² इज इक्वल टू किसके भाई? 3/3 kT। 2 इसका भी कट गया, इसका कोई यूज नहीं करता, मैं बता रहा हूँ, बस हमने पहले पढ़ चुके हैं इक्वेशंस को हम लोग, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं, कोई यूज नहीं है इसका इस फार्मूले में। ठीक है, हम तो सिर्फ ये यूज करना है कि मैं m1 c1 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं m1 c1 को mc² लिख सकता हूँ? यस सर नो? क्या मैं m2 c2² को mc² लिख सकता हूँ? क्या मैं m3 c3² को mc² लिख सकता हूँ? बिल्कुल है, फर्स्ट में पुट कर देते हैं वैल्यू। ओके, लिखिए, इतना हो गया। पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन भाई, पुट इन फर्स्ट तो कितना होगा? P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/3 V m1 c1² लिख रहा है, देखिए मिल रहा है m1 c1² क्या लिख सकता हूँ? mc² यस और नो? मैं लिख दिया यहां पे mc², साथ में क्या है? n1 भी है। यस और नो? दिख रहा है इसमें m2 c2² को अगेन mc², तो क्या लिखोगे? mc² (n2) + mc² (n3 एंड सो ऑन। n के लिए कुछ भी, कितने भी गैस हो सकती हैं इसमें। सही लिखा है कि गलत लिखा है? हो जाएगा mc². तो P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन mc² सभी में है। यस और नो? तो लिख सकते हैं m, ये यहाँ पे क्या था? 1/3 V। अगर मैं mc² को कॉमन निकालूं, अंदर क्या बचेगा? n1 + n2 + n3 + mc² क्या सही लिखा है?
यस सर ना, एम सी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सोन। एन वन क्या थे, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट गैस प्लस सेकेंड गैस प्लस थर्ड गैस, क्या बन गया सारे को जोड़ दिया, इट इज द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सर। यस सर ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या लिखेंगे, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सोन इज इक्वल टू एन लिख सकता हूं। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मिक्सर, मिक्सर ऑफ द गैस, पांच गैस डाली है, पांचों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जोड़ दिया गया। यस सर ना, यस सर ना, तो यहाँ पे लिखो इसको, कैसे लिखेंगे देखिए, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस सोन इज इक्वल टू वन बाई थ्री वी, क्या लिखूँ इसकी जगह पे, एन एन एम सी स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है, यस और नो? व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सर। व्हाट इज स्मॉल एम, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। यस सर नो, तो क्या बन गया, मास ऑफ मिक्सर नहीं बच गया भाई। यस सर नो, तो लिख सकते हैं इसको पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस सोन इज इक्वल टू वन बाई थ्री वी, इट इज कैपिटल एम मास ऑफ गैस मिक्सर्स इंटू सी स्क्वायर। यस सर नो, पी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, वन बाई थ्री एम बाई वी सी स्क्वायर। यस सर नो, इट इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर भाई। कौन सा प्रेशर, मिक्सर का कितना है, ये तो प्रूव करना था कि नेट प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस। समझ में आया कि नहीं आया, ये फार्मूला तो बन रहा है वन बाई थ्री एम बाई वी सी स्क्वायर, इट इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर भी एग्जर्टेड बाई द मिक्सर ऑफ द गैस भी। कर लोगे, एनी प्रॉब्लम, टॉपिक कंप्लीट। चलिए भाई, फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या चीज होती है अभी देखिए, थ्योरी क्या बोलती है आपकी कि गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ये हमारा पॉइंट था थ्योरी का, यस और नो? गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड, यस और नो? तो इसमें देखिए, हो सकता है कि हर मॉलिक्यूल का स्पीड अलग हो। फर्स्ट का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, नेक्स्ट का 3 है, नेक्स्ट का 3 है, नेक्स्ट का 5 मान लेते हैं, फिर 4 मान लेते हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 9 मीटर पर सेकंड। हर एक का अलग हो सकता है, हर एक का मान ले, मान लिया पहले का 2 है, फिर 3 है, 3 है, 5 है, किसी का किसी कुछ भी हो सकता है वैल्यूज भाई। तो इनमें से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सा है, जो स्पीड मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है अभी, वो क्या आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। समझ में आया? तो इसमें से मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हुआ है, 3। तो 3 क्या है, 3 मीटर पर सेकंड इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? किसी गैस मॉलिक्यूल्स की वो स्पीड जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है अभी, वो क्या बनता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यस और नो, ये लिखिएगा, ये है समझने के लिए, डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा, अभी कुछ और है वो। हाँ ये लिखो, लिख दीजिए एक बार, लिख लीजिएगा, वी हैव एन गैस मॉलिक्यूल्स, वी हैव एन गैस मॉलिक्यूल्स मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज भी, मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ये लिख दो वेलोसिटीज, ठीक है, उसके बाद ये यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको कोई दे देंगे बता दीजिएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, जर्नल साइंस का क्वेश्चन बनता है। आगे प्लस टू के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे ना, तो उसमें कोई जर्नल साइंस समझते हो तो उसमें सारे आ जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ,
इंग्लिश वगैरह तो कुछ जर्नल स्टडी बोलते हैं उसको, तो उसका क्वेश्चन है ये हो जाएगा। अब लिखिए डेफिनेशन भी इसका भी। ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो आपको बताने का तरीका है कि कौन सा होता है, ठीक है। लिखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लिखिए डेफिनेशन, लिखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज द स्पीड दैट पोजेस बाय, पोजेस लिख लोगे POSSES पोजेस, ये होता है क्या, विच पोजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन, विच पोजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मैंने लिखवाया है ना लैंग्वेज में, इसका मतलब यही है जो स्पीड मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी वही क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। अभी कर लोगे ये तो तरीका ये है, कोई क्वेश्चन बन जाए उसे बनेगा नहीं, कोई क्वेश्चन बन जाए इसका फार्मूला क्या बनता है भाई, वी इसको मैं एम पी ले लूं, मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू अंडर द रूट 2KT बाई एम वी। अब ये जो फार्मूला है ये वी एम मतलब मोस्ट प्रोबेबल वी अंडर रूट 3KT बाई एम, के क्या है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट्स भी, टी क्या है टेम्परेचर, एम क्या है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स भी ऑफ द गैस,